हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर लाइन, जिसमें हम देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन टू लाइंस आर कोप्लेनर्स। ठीक है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन रहेगा कोप्लेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दो लाइन कोप्लेनर कब होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइन वन दी हुई है, लाइन टू दी हुई है, ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि दिस लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोप्लेनर प्रूफ नहीं करना है, उस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखेंगे। मतलब इसमें हम कैसे देखेंगे, कोई मिसिंग टर्म रहेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कोप्लेनर। ठीक है, टू लाइन्स आर कोप्लेनर के लिए जब भी हमें क्वेश्चन आपको मिलता है टू लाइन्स आर कोप्लेनर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए, फिर उस पर जितना प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द लाइन्स, ये हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, लाइन वन एंड लाइन टू आर कोप्लेनर। हमें बोला गया है कि लाइन आर कोप्लेनर, द वैल्यू ऑफ के इज़ वॉट, तो हमें वैल्यू ऑफ अ के फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ऑफ अ के क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो लाइन दिया हुआ है और हमें उसका के का जो के मिसिंग टर्म है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ये फॉर्मूले में हमने देखा कि यहाँ पे पॉइंट वन एक्स वन एक्स टू वाई वन सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन हमारा पॉइंट है लाइन वन से, और एक्स टू वाई टू जेड टू हमारा पॉइंट है लाइन टू से, और ए वन बी वन सी वन डायरेक्शन रेशियो है लाइन वन का, ए टू बी टू सी टू डायरेक्शन रेशियो है लाइन टू का। ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे और हमें सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्स वन सॉरी एक्स वन वन एक्स टू वाई वन इज़ वन जेड वन इज़ वन। ठीक है, एक्स टू इज़ फाइव वाई टू इज़ थ्री एंड जेड टू इज़ सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स, तो क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइव माइनस वन फोर, थ्री माइनस वन टू, सेवन माइनस वन सिक्स। ठीक है, और यहाँ पर लाइन वन का जो डायरेक्शन रेशियो है दिस वन टू के, और ये डायरेक्शन रेशियो लाइन टू, थ्री माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं, फोर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस टू माइनस माइनस प्लस फोर के, होप स्टूडेंट्स आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता हो। ठीक है, तो ये टू माइनस हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस वन माइनस थ्री के, और फिर प्लस सिक्स दिस इंटू दिस माइनस फोर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा आपका उतनी जल्दी आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये माइनस एट प्लस सिक्सटीन के प्लस टू प्लस सिक्स के, ये माइनस टेन इंटू सिक्स सिक्सटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये के क्या हो जाएगा, 22 के दिस माइनस दिख 68 माइनस 68 प्लस टू 66 माइनस 66 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब 22 के इज इक्वल्स टू 66, के इज इक्वल्स टू वॉट थ्री। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, के का वैल्यू आपको थ्री मिल गया है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ओके, तो इसे और भी आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे स्टूडेंट बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए इतना टाइम जा रहा है। ठीक है, सिर्फ मैं अगर सॉल्व करूँ तो बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं बोला स्टूडेंट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिया हुआ हमने, लाइन वन दिया हुआ है, ये लाइन टू दिया हुआ है, आर कोप्लेनर बोल रहे हैं, वो कोप्लेनर है, तो के का जो के मिसिंग है यहाँ पे, के यहाँ पर है, के यहाँ पर, मतलब दो बार हमें के का दो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, मेरा एक्स वन एक्स टू क्या है, वन वन माइनस टू, तो मेरा माइनस वन हो जाएगा, फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा, और ये फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा।
और फिर लाइन वन का जो डायरेक्शन रेशियो है 1 1 माइनस के 1 1 माइनस के, लाइन टू का डायरेक्शन रेशियो k 2 1 k 2 1 इज इक्वल टू जीरो होता है। आपको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे माइनस वन इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 1 + 2k हो जाएगा, माइनस वन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 1 + k² फिर प्लस वन दिस इंटू दिस माइनस के इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से करिएगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा 2 - k इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -k² -2k - k -3k और -2 - 1 - 1 - 2 + 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दोनों प्लस हो जाएगा, के हमने कॉमन लिया, के ये भी प्लस, एक स्टेप और लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, k² + 3k इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दिया, के कॉमन लिया, के प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब के इज इक्वल्स टू जीरो और के प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक के का वैल्यू जीरो मिला और एक के का वैल्यू माइनस थ्री मिला, तो जीरो एंड थ्री माइनस थ्री इज अ राइट आंसर, जीरो एंड माइनस थ्री सी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, एक वैल्यू मेरा हमारा जीरो होगा, एक वैल्यू हमारा माइनस थ्री होगा। ठीक है, तो उस पर बेस्ड और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में था इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन, अभी यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला वही करना है, लेकिन यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स है हमारे वो क्या क्या होंगे वो देख लेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में ये हमारा पॉइंट होता है, तो ये हमारा पॉइंट ए इसे मिल जाएगा, ये पॉइंट बी हमारा इसे मिल जाएगा, और ये क्या होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो, इसे हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा इससे और इससे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पहले मैं आपको इन रफ लिख के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला, इफ़ द लाइन दिस इज अ वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज अ वेक्टर फॉर्म आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, तो हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना, पी मतलब दिस, ये मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले एक्स वन देखिए आपका क्या होगा, वन, वाई वन क्या होगा माइनस वन, और जेड वन क्या होगा आपका वन। ठीक है, इससे मिल गया, और एक्स टू क्या होगा टू, वाई टू क्या होगा वन, जेड क्या है यहाँ पर जीरो है, तो जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे x2 और x1 मिल गया हमें, y2 y1 और z2 z1 मिल गए। ठीक है, और इससे हमारा डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, इससे हमारा डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें बोल रहा है कि ये कोप्लेनर है, मतलब 2 - 1 1 1 - - प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 - 1 - 1। ठीक है, अभी लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या है, यहाँ पर ये p है, j के साथ क्या है 1 है, और z 0 रह जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो लाइन टू का क्या है, 1 - 1 और 4 है, इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करना है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए और आपका आंसर मिल जाएगा, 4 - 0 4 - 2 दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस 4p 0, और फिर -1 दिस इंटू दिस -p - 1 इज इक्वल्स टू जीरो। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा 4 - 8p - प्लस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे 5 - 7p इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 5 = 7p, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/7। तो देखिए हमारे पास 5/7 दिया हुआ है, 5/7 इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए क्वेश्चन देखा बेस्ड ऑन टू लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, दो लाइन कोप्लेनर है, तो मिसिंग टर्म हमने फाइंड आउट के देखा कैसे करना है, उसमें हमने इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी देखा और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप और भी क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये फॉर्मूले को लिख लीजिए अच्छे से, फिर इस पर इसको कैसे हमने सॉल्व किया वो समझिए, पॉइंट कैसे निकालना है, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है लाइन वन लाइन टू। ठीक है, अच्छे से समझिए, फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल ट्राई करिए, जितना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बढ़ते चले जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पर शॉर्टकट मेथड बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में शॉर्टकट मेथड ढूंढिए, वहाँ पर सारे टॉपिक्स के शॉर्टकट मेथड मैंने बनाए हुए हैं, और कुछ अपलोड करना बाकी है वो भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको इजीली वो टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।